गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं फिर से आज आपके सामने हाजिर हूँ। सारनाथ के लिए अभी हम रवाना हुए हैं, जिसके लिए हमने ये बैटरी का गाड़ी यूज़ किया है। तो अभी देखिए, ये बैटरी की गाड़ी से हम लोग सारनाथ जा रहे हैं। ये मेरी वाइफ, ये बड़े जिया जी, और इन्जॉय करते हुए ये मेरी बड़ी दीदी, सबसे बड़ी दीदी है मेरी, और इधर मैं हूँ, और इधर मेरे पिताजी हैं, और इधर मेरे पापा हैं, देख सकते हैं। और हम लोग पूरे फैमिली यहाँ से निकल रहे हैं सारनाथ के लिए। सारनाथ बहुत ही अच्छा जगह है, भगवान बुद्ध की धरती है, और मैं पहली बार जा रहा हूँ सारनाथ, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बैटरी का गाड़ी जो है हम लोग सफ़र को और सुहाना बना दे रहा है। ये हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं सारनाथ, और ये सारनाथ का मेन गेट है, और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और यहाँ की खूबसूरती मैं आपको दिखाते चलता हूँ। ये देखिए, काफ़ी अच्छी मतलब हरियाली, जहाँ देखो वहाँ एकदम हर तरफ हरियाली हरियाली है। काफ़ी पर्यटक आते हैं, हमारे पीछे भी कुछ पर्यटक हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी वाराणसी आते हैं वो सारनाथ ज़रूर आते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह, भगवान बुद्ध ने यहाँ पे पहला अपना उपदेश दिया था, और ये काफ़ी चर्चित जगह है। उन्होंने, भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में की थी, और उन्होंने पहला उपदेश यहीं पे सारनाथ में दिया था। अभी मैं आपको दिखाते चलता हूँ यहाँ की सुंदरता, यहाँ की हरियाली, और मैंने अपने पूरे परिवार को यहाँ पे लिया, मेरी बड़ी दीदी। हालांकि धूप बहुत ज़्यादा किया हुआ है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी धूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं भाई। तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, मैं आपको दोस्तों ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यहाँ पे दीक्षा दी थी, और बिल्कुल इसी तरह से अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसकी झलक आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, हाय दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं वाराणसी के सारनाथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति होने के बाद यहां पे प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था, और मैं सीधे लेकर आया हूं वाराणसी के सारनाथ, जहां पे भगवान बुद्ध का यहां पे प्रतिमा स्थापित है। लोग आस्था के लिए यहाँ आते हैं, मन की शांति लोगों को मिलती है, और हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग सोचे कि चलिए आप लोगों को भी सारनाथ का दर्शन करा दिया जाए। दोस्तों यही है सारनाथ का, दोस्तों ये जो सारनाथ में बुद्ध भगवान का जो मेन मंदिर है, उसी का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, और बुद्ध भगवान का दर्शन करवा रहे हैं। सच बोलूं दोस्तों, तो मुझे यहाँ बहुत शांति मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मन की शांति बहुत मिलता है। और भगवान बुद्ध ने बोधगया में अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, और यहीं पे सारनाथ में इसी जगह पे भगवान, अभी हम लोग वाराणसी के सारनाथ में हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं। ये भैया अभी हम लोग से बात, इनसे पूछते हैं, तो आप सारनाथ हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, ये मिनी डियर पार्क है, यहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा। कहाँ से?
ये देखिए मैं और मेरा पूरा परिवार, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बड़े जीजाजी, मेरी बड़ी दीदी और मेरे पिताजी इस जगह को एंजॉय करते हुए, एंजॉय बहुत अच्छा, मतलब धार्मिक स्थल है, मन की शांति है, मन की शांति मिलती है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरा पूरा परिवार, हम लोग ठीक एकदम सारनाथ के बीचों बीच। मेरे पिताजी, बड़ी दीदी, मेरी वाइफ और ये बहुत ही आकर्षित करने वाली जगह, बहुत ही शांत जगह, बहुत शांति है। इतने मतलब यहाँ भीड़ भाड़ होने के बाद भी यहाँ पे इतना शांति, जो बहुत अच्छा लगता है। मेरी दीदी चक्कर चलाते हुए और सुंदर नज़ारा यहाँ पे ले लिए हैं। ऐसे देखते हैं, केला चढ़ाया तो 20 घोट केला चढ़ा दिया।